If 1 0 of the quadratic polynomial, if 1 0 अभी हाँ सर ठीक है बेटा, कल सुबह 9:30 बजे क्लास रहेगी, ठीक है ना? ठीक है सर. 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, इज नेगेटिव ऑफ अदर. एफ एक्स इक्वल टू 4x² - 8kx - 9. Then find k. तो हमें k का वैल्यू निकालना. तो हमें क्या बोल रहा है, 1 0 दूसरे का नेगेटिव. इसका मतलब गिवन क्या है हमें, पहले तो ये देखो, एफ एक्स इक्वल टू 4x² - 8kx - 9. बेटा सभी बताएंगे अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, माइनस बी अपॉन ए. तो बी है आपका माइनस 8k, तो माइनस बी कितना हो गया 8k. तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दूं आपको कैसे लिखना होता है अल्फा प्लस बीटा. यहाँ जो भी है उसका उल्टा करना है, नेगेटिव करना है. माइनस 8k है तो आप बोलोगे 8k अपॉन 4. ये आपका क्या आ गया भाई, सम ऑफ जीरोस. क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस. इसका नेगेटिव लेना, उसके बाद बैठ जाओ. माइनस माइनस इसका उल्टा करना है. माइनस 8 का क्या क्या हुआ, प्लस 8 के अपॉन. यदि यहां पर सपोज प्लस 3 होता तो प्लस 3 का माइनस 3 अपॉन 4. इस क्लियर है? अच्छा हमें क्या गिवन है, अच्छा अल्फा बीटा भी लिख लो, सी अपॉन है मतलब माइनस 9/4. अब मुझे क्या गिवन है, सभी बोलेंगे जोर से, 1 0 दूसरे का क्या है. आजा आगे आजा जल्दी. अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, या फिर यहां भैया के पास बैठ गया दोनों. तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया. माइनस बीटा इधर आके क्या हो गया, जीरो. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, सभी बोलेंगे. तो बेटा के का वैल्यू, के का वैल्यू क्या आ गया, जीरो. अरे क्लियर है, चलिए लिख लीजिए. एक कौन है, एक और गायब है. डाउट हो तो बेटा पूछ लेना. अच्छा कल तू एक काम करना, तू घर ही आ जाना. मैं टाइम बता दू, टाइम बताऊंगा, इवनिंग का ही रखूंगा, 3-4 बजे के. बेटा सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए. अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4x² + x - 2, देन फाइंड 1 upon alpha + 1 upon beta. तो मुझे 1 upon alpha + 1 upon beta की वैल्यू निकालनी. लिख लिया? अरे न्यारी का लिख लिया क्या?
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। बोलिए भाई सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस वन। भाई ये प्लस वन है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो प्लस वन, तो माइनस वन अपॉन वन। अल्फा बीटा माइनस टू, कोई दिक्कत? अब मुझे निकालना वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा प्लस अल्फा, बोलो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू और नीचे, तो आंसर वन बाय टू लिख लीजिए, वन बाय टू आंसर। इसी तरह की आपकी एमसीक्यू आएंगे, ये जो लिखवा रहा हूं अभी मैं, अभी बोर्ड का जो है देखता हूँ उसमें भी होंगे एक दो प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसको तो लिखो आप, जितने मैं बोर्ड का देख लेता हूँ। कल भेज दिए थे बेटा पलक तेरे को, मैंने देख लिए थे। काम करना है आपको, ये दो दोनों सैंपल पेपर तू भी सोल्व कर ले, हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आए तो मैं भेज दूँ, जरूरी है। चलो जो आपको दे रखा है वो ही बता देते हैं। इफ टू एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ टू एंड वन बाय टू आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस आर, देन P और R की वैल्यू निकालनी है। तो करना तो यही काम है, देखो सर मैं मान लेता हूं कि अल्फा है 2 और बीटा है 1 बाई टू, अल्फा है 2 बीटा है 1 बाई टू, एक जीरो बट अल्फा मान लो, एक जीरो बीटा मान लो। बोलो भाई सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है इक्वेशन से, माइनस फाइव अपॉन पी, कोई दिक्कत? अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, एलसीएम लो। कितना आया? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, तो पी का वैल्यू माइनस टू आ गया। किसी को डाउट है इसमें कि आपके इस बार के सैंपल पेपर में है ये कुछ? तो ये तो हो गया हमारा क्लियर। चलो लिखो इसको, अल्फा प्लस बीटा माइनस फाइव अपॉन पी, टू प्लस वन बाई टू, तो पी का वैल्यू माइनस टू आ गया। रूपल अल्फा बीटा कितना होगा बेटा, कोई नहीं बोलेगा, और यहां से अल्फा बीटा आर अपॉन वन का है, पी ए वन का दिख रहा तेरे को, अल्फा बीटा कितना है आर अपॉन पी। अच्छा अल्फा की वैल्यू टू, वन बाई टू आर इक्वल टू पी, और पी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, क्या हुआ तेरे को, किसमें, इस पे ही आ रहा है ना।
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन पी। तो P इक्वल टू आर, तो R की वैल्यू भी कितनी आ गई भाई, माइनस टू। आर इक्वल टू माइनस टू। अभी क्लियर? बोल बेटा। हाँ सर। मैंने तेरे को बोला ना पहले समझा कर फिर लिखा कर, सबसे पहले लिख के बैठ जाता है। रीटास हाइट इनफिट अबाउ द वाटर लेवल, above the water level is given by another polynomial PT with zeros माइनस वन एंड टू, देन पीटी इज गिवन बाय। अब बेटा इससे इजी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, देखो जीरोस गिवन है आपको। पहला ऑप्शन टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू, टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन, ट्वेंटी फोर टी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर टी प्लस फोर्टी एट, एंड डी माइनस ट्वेंटी फोर टी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर टी और प्लस फोर्टी एट। अब मैं तुम्हें तरीका बताता हूं कि क्या करना है। ये वैल्यू है माइनस वन और टू, ये रख रख के देख लो सब। तो इसमें मैं बोल दूंगा उससे, तो बस ये भर के लिए, बाकी वो उससे खुशी से बोल देना मेरे से बात कर ले। बढ़िया सा फोटो लगा ना, अच्छा वाला। माइनस वन एंड टू, तो आप टी की वैल्यू टू रख के देखो इसमें। बोलो जीरो आ रहा है, रखो ना टी की वैल्यू आ रहा है। इसमें इसमें बोलो नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है ना, अरे आ तो रहा है। टी की वैल्यू टू का स्क्वायर माइनस नाइनटी सिक्स प्लस फोर्टी एट प्लस फोर्टी एट, ठीक है। अब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे, लेकिन आपकी इनफिट अबो द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर प्रो, तो आपका तो आंसर यही आएगा, क्योंकि इसमें क्या है आपके पॉलिनोमल्स क्या है, माइनस वन एंड टू। पॉलिनोमल तो माइनस वन एंड टू है, मतलब ये आपके ये वैसे हो जाएगा टी प्लस वन और टी माइनस टू। इसको सोल्व करो, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टी माइनस टू, क्या आया इक्वेशन, क्या आ गई टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू। इस तरह से करो उसको,
लिखिए वो उससे ही तो करा भाई, के का वैल्यू जनरली वन मानते हैं, ठीक है ना, जो पहली आपकी पॉलिनोमियल है वो सी से क्या है, टी प्लस वन और टी, यार ये क्वेश्चन एक मिनट रुको रुको रुको, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं बोला यार, जब भी मैं सोचू क्या हो रहा है, एक रुको मिनट के लिए रुक जाना बेटा, ये केस स्टडी थी, मैंने केस स्टडी नहीं पढ़ी और मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दिया, बेटा ये केस स्टडी थी, मैंने केस स्टडी नहीं पढ़ी, मैंने तो क्वेश्चन बोला बस, तो इसके हिसाब से तो ये आंसर आएगा, लेकिन केस स्टडी के हिसाब से अलग आंसर है भाई, इसमें तो आपको कुछ गिवन ही नहीं है, तो इसके हिसाब से तो यही आंसर आएगा, लेकिन केस स्टडी के हिसाब से अलग आंसर है। अब एक काम करो, ये तो लिख लिया आपने, कोई बात नहीं, केस स्टडी पूरा लिखो, बेटा केस स्टडी लिखना इसकी, द फिगर क्या है, कि फिगर क्या है, कुछ लोग जैसे होता है ना कि है ना स्विमिंग पूल में होता है, वहां से आपको कूदते हो थोड़ा सा डाइव लगा के, जैसे एक डाइव लगाने का होता है ना इस तरह का, देखो ये ना, ये यहाँ पर एक होता है ना लगाने का, यहाँ से उस पर क्या करते हैं, जंप करते हैं और जंप करके फिर कूदते हैं, तो ये उस तरह की केस स्टडी है, ठीक है, जंप करके वो उस पर डाइव लगाना, तो ये क्या है, द फिगर गिवन ब्लो अलोंग साइड द पाथ, लिखो द पाथ ऑफ ए ड्राइवर, व्हेन जंप फ्रॉम द diving board, clearly it is a parabola, अभी बता रहा हूं कैसे वो jump ले रही, clearly driver, हाँ क्या होगा, हाँ भावनाओं को समझे, मुझे क्या लगा, क्या पता है मैंने क्या बोला, वो अलग से वो ड्राइवर लिख दी, देखो इधर यहां से वो कूद रहा और वो इस पाथ पे जा रहा है कूद के, तो ये कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड,
उसका नाम है एनी वाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बॉक्स फोर्टी एट फिट अबाउ द वाटर लेवल द वाटर लेवल. इसका मतलब देखो सर, ये वाटर लेवल है सपोज यहाँ, तो ये जो आपकी हाइट है ये कितनी है 48 फीट. सी टू के डाई इनटू द वाटर पूल हर हाइट इन फीट अबाउ द वाटर लेवल एट एनी टाइम टी इन सेकेंड is given by the polynomial ht equal to minus 16 t square plus 8 t plus k इतना लिखिए. लिख लीजिए इसको. लिख लें फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझो. देखिए फर्स्ट कॉलम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. बेटा हाइट जीरो कब होगी? हाइट 48 कब होगी? जब t इक्वल टू जीरो. अरे स्टार्टिंग में हाइट कितनी है? ये कितने मीटर की हाइट है? कितने फिट की हाइट है? 48 की. ये कब है? जब वो यहां पर खड़ी हुई है. तो यहां पर कब खड़ी हुई है? मतलब इसका मतलब यहां पर इस पॉइंट पे क्या है? टी इक्वल टू जीरो. मतलब अभी उसने कुछ किया ही नहीं. तो टी इक्वल टू जीरो मतलब एस टी इक्वल टू ये जीरो हो गया. टी इक्वल टू जीरो. टी इक्वल टू जीरो पे क्या है? एच टी कितना है? एच जीरो कितना हो गया? 48. तो भाई 48 इक्वल टू माइनस 16 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस के. तो के का वैल्यू आ गया 16 टी स्क्वायर माइनस 8 टी प्लस 48.
अब अच्छा टी का वैल्यू जीरो, सॉरी तो के का वैल्यू कितना आ गया भाई, के का वैल्यू कितना आ गया 48, तो पहला आंसर आ गया के इक्वल टू 48। इसमें कोई डाउट, ये समझ में आया भाई? स्टार्टिंग टाइम पर जब स्टार्टिंग टाइम था वो उसने टाइम नहीं लगाई है, उस टाइम में समय वो कितनी हाइट पे थी 48, इसका मतलब टी इक्वल टू जीरो पर क्या होगी हाइट 48, तो मैंने टी की वैल्यू जीरो रख दी और एच की वैल्यू कितनी रख दी 48, ठीक है। तो ये पहला आंसर, एट वॉट टाइम, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एट वॉट टाइम फिल्सी टच द वाटर इन द पूल, एट वॉट टाइम पिल्ली विल सी टच द वॉटर इन द पुल। कितने टाइम पे टच करेगा, कौन बताएगा, बोलिए कितने टाइम पे टच करेगा। कोई आइडिया नहीं किसी को भी? अच्छा टच कब करेगा, के इक्वल टू 48 तो हो गया, 48 के नीचे तक पहुंच जाएगा, इसका मतलब कितनी हाइट कवर करेगा 48 कवर करेगा, बिल्कुल सही बोला। उधर कितना है तेरा, माइनस 16 टी स्क्वायर, फिर क्या है आपका प्लस 80, या एक कम कम या हाइट है, हाइट कितनी हो जाएगी जब वो कवर करेगा 48, क्यों रहेगी जीरो हो जाएगी ना भाई। इधर देखो ये यहां से चलना स्टार्ट किया उसने, ये 48 है, ये आपका पुल है, यहाँ पानी है, इसका मतलब वो यहाँ पर हाइट कितनी होगी जीरो, जब हाइट जीरो होगी तभी तो टच करेगा पानी को, इसका मतलब माइनस 16 टी स्क्वायर प्लस 80 प्लस 48 विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया आपका 8 कॉमन ले लो सब में से, फैक्टर बोलो इसके, फैक्टर बोलो, टू टी कॉमन आ गया टी माइनस टू, थ्री कॉमन आ गया टी माइनस टू, तो टी माइनस टू टू टी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टी का वैल्यू टू आ गया, और टी का वैल्यू इसका मतलब टी का वैल्यू कितना आ गया टू, इसका मतलब कितने सेकंड के बाद वो वाटर को टच कर लेगा 2 सेकंड के बाद। दोबारा समझा रहा हूं, पहले लिख लो इसको, इसको लिख लीजिए देखो मैं दोनों कंसेप्ट पहले समझा रहा हूं आपको, देखो यहां से वापस से कि पहला कंसेप्ट क्या था, दूसरा कंसेप्ट क्या था।
आप तो ये मानो, ऐसा स्टार्टिंग में हाइट कितनी है, कब है टी इक्वल टू जीरो, तो जैसे आप टी इक्वल टू जीरो रखोगे और हाइट कितनी है आपकी उस समय 48, तो वो 48 पे आ गया। अब ये 48 वो यहां से गया, यहां से गया यहां तक, यहां पर हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट कितनी है जीरो, तो जब एच जीरो होगा तब वो उसको टच करेगा, तो एच जीरो होगा तो मैंने उसको एच जीरो लिख दिया, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई, और इसका मतलब कितने सेकंड के बाद टच करेगा, 2 सेकंड। अब आ गया समझ, ठीक है। तीसरा केस, जो तीसरा मैंने लिखवाया था, अब उसका अलग आंसर आएगा क्योंकि पहले अलग चीज थी, पहले हमें केस स्टडी पता नहीं थी, तो चाहो तो जो पहले करवाया था उसको काट सकते हो, क्वेश्चन वही का वही है। रीटा साई इन फिट, थर्ड केस, रीटा हाइट इन फिट अबाउ द वाटर लेवल, अबाउ द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल विद जीरोस -1 and 2, then PT is given by अब देखो height T बोलो यही होगा कि नहीं होगा भाई, इसके जीरोस क्या क्या है, -1 तो P +1 और इसके जीरो है 2 तो P -2। अच्छा हाइट कितनी है उस समय, कितनी हाइट है, देखो इसको निकालो, अभी पहले ये लिख लो एस टी इक्वल टू के, इसको सोल्व करो, देखो यहां तो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, कब है भाई हाइट 48, सब टाइम क्या है, बोलो के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू कितना आ गया, -20, तो हमारा जो आपका पॉलिनोमियल हो गया एसपी, जीरोस क्या है, पीटी पीटी, हाँ भाई, तो बेटा हाइट की इक्वेशन अब क्या आ गई,
माइनस 24 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू। अब क्लियर है, ये इसकी क्वेश्चन माइनस 24 टी स्क्वायर प्लस 48 टी प्लस 48। फिर लास्ट केस, इसके बाद दो केस और दे रखे उसको। हमारे फिजिक्स में है क्या ऐसा पार्ट, हाइट वाला नहीं है ना? बोल 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 मेरे को बोल। नेक्स्ट भाई, थर्ड वाला पार्ट किसको समझ में नहीं आया? अच्छा फर्स्ट वाला पार्ट किसको समझ में नहीं आया? एक सेकंड, फर्स्ट वाला पार्ट किसको समझ में नहीं आया? क्या था फर्स्ट वाला पार्ट? कि उसने के की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी t इक्वल टू जीरो। मैंने क्या बोला, t इक्वल टू जीरो पे हाइट कितनी है? जैसे आप t इक्वल टू जीरो रखोगे और h 48 रखोगे तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा, पहला काम। दूसरा, वो कब इसको टच करेगा, इसको टच कब करेगा जब हाइट क्या हो जाएगी, तो मैंने हाइट जीरो रख दी तो आपको t का वैल्यू मिल गया। तीसरा केस अब समझना, तीसरा केस ये बोल रहा है कि यदि इसके जीरो क्या क्या है, माइनस वन एन टू, तो मैंने ये बना लिया भाई के टी प्लस वन टी माइनस टू। इसमें कोई दिक्कत है टी प्लस वन टी माइनस टू? बेटा जीरो माइनस वन है तो फैक्टर कितने होंगे, टी प्लस वन, उल्टा होता है। यदि जीरो टू है तो फैक्टर क्या होगा, टी माइनस टू। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई किया टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टी माइनस टू, यहां तक आ गया। अब मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी, के की। अब मुझे मालूम है कि जब t इक्वल टू जीरो है तो हाइट कितनी है, 48, तो मैंने t इक्वल टू जीरो रख दिया और हाइट 48 रख दी, तो k का वैल्यू कितना आ गया, तो माइनस 24 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू। मल्टीप्लाई करो, माइनस 24 टी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये बोल रहे थे कि तुम, और प्लस 40, और ठीक है ये रखो माइनस 24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48। ये हमारा थर्ड पार्ट हार्ड है, मैं मानता हूं थोड़ा बहुत हार्ड है, लेकिन एक बार करेंगे ना तो अगली बार इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ पार्ट, अब पॉलिनोमियल क्यूटी, पॉलिनोमियल क्यूटी विद सम ऑफ जीरोस, विद सम ऑफ जीरोस एज वन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस सिक्स, माइनस सिक्स इज मॉडलिंग अनुस हाइट, इज मॉडलिंग अनुस हाइट इन फिट अबाउ वाटर एट एनी टाइम टी। अब तो इजी, अब नहीं दिक्कत, अब समझ में आ गया टी नो एट एनी टाइम टी, अब नहीं आएगी दिक्कत इन सेकंड। अब देखना एच टी, इसका एच टी क्या होगा, के बोलो, सम ऑफ जीरोस कितने हैं, वन, तो माइनस टी, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस सिक्स। कल बताया था ना के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, तो सम ऑफ जीरो कितना है इसका, वन, ये वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या बताया था, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, याद आ गया,
वही लिखा मैंने, सम ऑफ जीरोस वन है तो माइनस टी माइनस सिक्स. व्हेन टी इक्वल टू जीरो, बोलो एच बोलो के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू कितना आ गया, तो बेटा ये क्या हो जाएगी अब एस टी इक्वल टू माइनस एट टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स माइनस एट टी स्क्वायर प्लस एट टी प्लस 48. ये इसका आंसर, ये इसका आंसर बिल्कुल सेम है, थर्ड और फोर्थ सेम है. लास्ट, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर टी इक्वल टू माइनस ट्वेल्व टी स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री इंटू टी. अभी जो करवाया था वही है अपन ने स्टार्टिंग में इस केस स्टडी से पहले जो किया था, आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ईच अदर फाइंड के. इसका अल्फा प्लस बीटा बताना बेटा, बोलो माइनस ऑफ अपॉन कितना आ गया, के माइनस थ्री अपॉन. अच्छा आपको क्या गिवन है, एक रूट एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव, मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो के माइनस थ्री इक्वल टू, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. ठीक है, ये तो सेम प्रॉब्लम थी जो अपन ने की. अब ये पांच पार्ट थे भाई इस वाली प्रॉब्लम. अब देखते हैं कि किसको कहां कहां दिक्कत आई. पहले इतना लिख लीजिए, हो गया. अब बेटा फिफ्थ फोर्थ थर्ड और फोर्थ पार्ट में कोई दिक्कत, मतलब कितना समझ में आया, बोल बोल तुम दोनों को थर्ड और फोर्थ पार्ट में दिक्कत. फिफ्थ पार्ट तो इजी था, उसमें तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए. एक और है आपकी केस स्टडी इसके बाद बेसिक वाले की केस स्टडी, वो इजी है. ट्रेन जाती है ना इस तरह से, वो ट्रेन घूम रही है उसमें, वो वैसा बता रहा है. इसको बोलते हैं रोलर कोस्टर.
देखो लीनियर तो नहीं है, क्वाड्रेटिक भी नहीं है और क्यूबिक भी नहीं। क्यूबिक क्यूबिक ऐसे नहीं बनता। ये जो ग्राफ है ये बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक मतलब जिसके आपके कितनी डिग्री होती है, फोर और फोर से ज्यादा। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा नहीं बनता। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं ग्राफ बता देता हूँ तुम्हें, याद रखना। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा होता है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, हमेशा इसी फॉर्म में बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सा कर्व है, बाय क्वाड्रेटिक। कौन सा कर्व है, बाय क्वाड्रेटिक। भाई लीनियर क्यों नहीं है, लीनियर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, लीनियर तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है, वो भी आपको पता है, पैराबोला नहीं बन रहा। अब क्यूबिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है। तो आंसर क्या है इसका, बाय क्वाड्रेटिक। लिखिए भाई पहला आंसर, बाय क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट सेकेंड, द रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय, आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। Y equal to PX, which roller coaster has more than three distinct zero। अभी ग्राफ बता रहा हूं मैं। A, बोलो इसके कितने जीरोस हैं, एक, तो ये तो गलत है। बी, कितने जीरोस हैं, एक, ये भी गलत हो गया। थर्ड, कितने जीरोस हैं, तीन, ये भी गलत हो गया। अरे वाह, ये दे रखा डी आंसर, ठीक है। तो ये भी इजी पार्ट था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसने बोला था मोर देन थ्री डिस्टिंक्ट जीरो, इसमें कितने जीरोस हैं, एक, इसमें कितने हैं, एक, इसमें कितने हैं, तीन, और इसमें कितने हैं, मोर देन थ्री, इसलिए आंसर मोर देन थ्री होगा।
थर्ड केस फिर अगेन इजी सा बात बोली उसने कितने जीरोज हैं इसके बस कौन कौन से हैं तीनों जीरोज माइनस टू जीरो और तो आंसर नंबर ऑफ जीरोज थ्री। फिर नेक्स्ट If the roller coaster is represented by the cubic polynomial tx equal to px cube plus qx square plus rx plus s, then which following is always true? First, s equal to 0, not equal to 0, b, q is not equal to 0, c, r is not equal to 0, d, p is not equal to 0. भाई यदि क्यूबिक है तो फिर p 0 कैसे होगा? p 0 हो ही नहीं सकता। यदि p 0 हो जाएगा तो क्यूबिक नहीं रहेगा, इसलिए p की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगी? 0 के इक्वल। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लिखते चलो। ये बेसिक थी। नेक्स्ट उसने पूछा बताओ इसके जीरोस क्या है, बोलो। जीरोस क्या होंगे बोलो? माइनस थ्री माइनस वन है बस, ये इसके जीरोस। कल का टाइम 9:30 से 11, ठीक है 9:30 to 11। फिर भी यदि कोई चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा।